हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अलजबरा का घटाव बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अलजबरा का घटाव जो कि सभी लोगों की, लगभग 99% लोगों की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे लोग सिंपल घटाव तो बहुत ही इजीली कर लेते हैं, लेकिन जब आपको अलजबरा के घटाव दिया जाता है, कहा जाता है कि एक्स में से वाई घटाइए, 9x में से 10x घटाइए, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होती है। तो दोस्तों, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं 101% की गारंटी देता हूँ आपसे। ये वीडियो देखिए और इसके बाद 100% 101% मैं गारंटी देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे घटाव का रूल होता है कि घटाने के लिए सबसे पहले आपको क्या ज़रूरी है। जब भी यहाँ पर घटाया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह बदलता है। चिन्ह कैसे बदलता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये 2x है, इसके पहले जो कुछ भी चिन्ह नहीं है तो समझिए यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है। तो आपको क्या करना है, प्लस छिपा हुआ है तो प्लस का उल्टा कर देना है, यानी यहाँ पर माइनस का साइन लगा देना है, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो प्लस था, उसके बाद माइनस मैंने कर दिया, प्लस का उल्टा माइनस, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। नीचे वाला आपको देखना है, ऊपर वाला नहीं देखना है। ये नीचे जो 3y के जो है, 3y जो है माइनस 3y है, यानी माइनस में है, तो इसका उल्टा जो हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 3 के पहले तो प्लस है, तो इसका उल्टा जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। अब आपको घटाना, घटाते वक्त आपको यह ध्यान में रखना है कि जो भी संख्या बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 10 जो है बड़ा है 3 से, लेकिन 10 के पहले जो चिन्ह है वो प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा। जो भी संख्या बड़ा होगा उसी का चिन्ह यहाँ पर नीचे जो है लगेगा। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस आप रहने दीजिए, क्योंकि कोई भी संख्या के पहले कुछ भी नहीं है तो समझिए कि वो प्लस में है। यहाँ पर बराबर है तो बराबर दे देंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 2y है और नीचे क्या है, 3y है। मैंने माइनस को प्लस कर दिया है, तो अब आप इस माइनस को भूल जाइए, इस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है। 2y भी प्लस में है और यहाँ पे मैंने चिन्ह बदल दिया है, तो 3y भी प्लस में हो गया है। यानी प्लस 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 और 2y में 3y जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5y हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे। देख सकते हैं बहुत ही आसान है, यहाँ पे प्लस 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 हो गया और 2y 3y मिलकर 5y हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है, लेकिन मैंने आपको बताया है जो भी संख्या बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा। यानी 5x बड़ा है 2x है, तो 5x में से 2x घटेगा, क्योंकि घटाना है तो घटेगा। तो यहाँ पर 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पर x हो जाएगा। और जो भी संख्या बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा, तो ये जो है प्लस में है बड़ा, तो यहाँ पर प्लस नहीं देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले कुछ भी चिन्ह नहीं है तो समझिए कि वो ऑलरेडी प्लस में है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने फाइनली सॉल्व कर लिया और यही हो गया इसका आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको 101% क्लियर हो जाएगा। हमको इसको घटाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पर 10x के पहले कुछ भी नहीं तो प्लस है, और प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस। यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 16 का पहले तो प्लस है, तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है। अब आपको क्या करना है, घटाने का काम करना है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी संख्या बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर 2 में से क्या घटाना है, 16 घटाना है। तो आप क्या कीजिए, 16 में से ही 2 घटा लीजिए। तो 16 में से 2 गया तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 के पहले माइनस का चिन्ह है, यानी ये संख्या बड़ा है 2 से, और इसके पहले माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर 14 जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। उसके बाद है बराबर, तो बराबर दे देंगे, और यहाँ पर आपको घटाना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 9y में से यहाँ पे 7y घटाना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर माइनस 9y में से माइनस का 7y घटाना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, माइनस 9y में से माइनस 7y घटाना है। तो जो भी संख्या बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा, तो चलिए लगा देते हैं। लेकिन माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर हम संख्या को जोड़ेंगे, लेकिन संख्या को जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन जो चिन्ह लगेगा वो बड़ी संख्या के पहले जो चिन्ह है वही लगेगा। तो 9 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16y
लेकिन 9y के पहले माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसको देखना है, 9x में से 10x को घटाना है, तो चलिए घटा लेते हैं। तो 9x में से 10x नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले में से ही ऊपर वाला घटा लेंगे। तो 10x में से 9x घटाएंगे तो यहाँ पे 1x आएगा। आप 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर सिर्फ x भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने बार बार बताया है कि जो भी संख्या बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर 10x बड़ा है और 10x के पहले माइनस है, तो यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा। यानी इसका आंसर हो गया -1x -16y -14, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि आपको दोनों यहाँ पर क्वेश्चन को घटाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, कुछ भी सीखे हैं, तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का यहाँ पे इंटरेस्टिंग बेसिक और एडवांस लेवल का मैथ अपलोड किया जाता है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होता होगा।